जय श्री राधे। प्यारे मित्रों, आज की कथा बहुत सुंदर होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। हम लोग आपके लिए वीडियो के लास्ट में एक समरी भी प्रदान करेंगे, आपको इससे बहुत सीख मिलेगी। जीवन के कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इससे सुलझ जाएंगी। मित्रों, लक्ष्मण जी के द्वारा मारे जाने पर मेघनाथ की दक्षिण भुजा सती सुलोचना के समीप जाकर गिरी। सुलोचना माता मेघनाथ की पत्नी थी और पतिव्रता का आदेश पाकर उस भुजा ने सारी बातें लिख डाली। सुलोचना ने निश्चिंत किया कि अब मुझे भी सती हो जाना चाहिए। मित्रों, पहले सती प्रथा बहुत प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में नहीं। पर एक बात आपको क्लियर कर दूं कि पहले सती सिर्फ अपने योगाग्नि से भस्म होती थी, ना कि चिता की अग्नि के द्वारा। उनमें इतना तप और अपने सतीत्व का इतना बल होता था कि अपनी मन की इच्छा से ही वो योग से अग्नि प्रकट कर लेती थी और उस योगाग्नि में ही अपनी समाधि लगा लेती। वर्तमान में लोग बहुत गलत करते हैं, जानबूझ करके सती प्रथा को नारियों पर थोपते हैं। माता और बहनों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, इसीलिए अब की सती प्रथा बिल्कुल गलत और निषेध है। इसको अवश्य ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि सती का अर्थ ये नहीं होता। सती का अर्थ होता है वो स्त्री या वो माता जो सत्य को धारण करे, सती कहलाती हैं। ना कि सती का अर्थ होता है आग में कूद जाना। अगर कोई व्यक्ति आग में कूदेगा तो कितनी पीड़ा होगी, सोच कर देखो। सुलोचना माता ने कहा कि अब मुझे सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो श्रीराम दल में पड़ा हुआ था, फिर वो सती कैसे होती? जब अपने ससुर रावण से उन्होंने अपने मन की बात बताई और अपने पति का शव मांगने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वतः ही श्री राम के दल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी श्री हनुमान, परम जितेंद्रिय श्री लक्ष्मण एवं एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम रहते हैं, उस समाज में तुम्हें बिना डर के चले जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्वतुल्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश होकर नहीं लौटोगी, तुम जो कहोगी वे सब अवश्य कर देंगे। जब रावण सुलोचना से ये बातें कर रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे। उन लोगों ने कहा, महाराज जिनकी पत्नी को आपने बंदी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है और जिनको वन वन आपने भटकाया है, उनके पास आप अपनी बहू को जाने के लिए कह रहे हैं? आप बिल्कुल अनुचित कर रहे हैं महाराज। यदि वह गई तो क्या सुरक्षित वापस लौट आएंगी? क्या सीता माता की तरह अगर श्री राम भी उन्हें बंदी बना लें तो आप क्या करेंगे? रावण ने उत्तर दिया, मंत्रियों लगता है तुम्हारी बुद्धि विनष्ट हो गई है। अरे यह तो रावण का काम है जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदिनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं। प्यारे मित्रों, धन्य है भगवान श्री राम का ये चरित्र बल, जिसका विश्वास शत्रु भी करते हैं और प्रशंसा करते नहीं थकते। हमें भगवान श्री राम के इस उदात्त चरित्र से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए। एक संत ने लिखा है, गिर से गिर पर जो गिरे मरे एक ही बार, जो चरित्र गिरते गिरें बिगड़े जन्म हजार। अर्थात पहाड़ से पहाड़ पर गिरने वाले की मृत्यु तो एक ही बार होती है, किंतु जो चरित्र रूपी पहाड़ से गिरते हैं उन्हें माता के गर्भ में बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार बुढ़ापे में मरना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जीते जी मर जाते हैं। श्रीराम की नकल करने वालों को भी बुद्धि पवित्र हो जाती है। अपने दल की लगभग संपूर्ण योद्धाओं का विनाश हो जाने पर रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। जगने के बाद रावण की बातों को सुनकर कुंभकर्ण दो क्षण के लिए सोच में पड़ गया, फिर कुछ सोचकर बोला, राक्षसराज माता सीता का अपहरण करके आपने बहुत बुरा काम किया है, किंतु ये तो बताओ कि सीता माता तुम्हारे वश में हुई भी हैं या नहीं? रावण के कहने पर मैंने सारे उपाय करके देख लिए, किंतु सीता को वश में नहीं कर सका। कुंभकर्ण ने पूछा
क्या तुम राम बनकर भी कभी उनके सम्मुख गई हो? रावण ने उत्तर दिया, जब मैं राम का रूप बनने के लिए दूर्वादल श्याम राघवेंद्र के अंगों का ध्यान करने लगता हूँ, तब हे कुंभकर्ण, मेरे हृदय के सारे कलुष समाप्त हो जाते हैं। फिर तो सीता को वश में करने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। मुझे पराई स्त्रियां माता के समान दिखती हैं। प्यारे मित्रों, ये सुन करके आपकी बुद्धि अवश्य स्वच्छ एवं पवित्र हो जाएगी। भगवान श्री राम जी के ये दो चरित्र अवश्य अपना लेना, अपने जीवन में इतने साफ और अच्छे बन जाना कि कोई तुम पर कभी उंगली ना उठाए। प्यारे मित्रों, ये स्पष्टता तुम्हें भगवान के निकट ला देगी और ये बहुत आवश्यक भी है। आज के युग में हर एक युवा को भगवान श्री राम से प्रेरणा लेनी चाहिए। तुम लोगों के मित्र, तुम लोग जिनके फैन हो, बड़े बड़े हीरो, गायक और राजनीतिज्ञ रखते हो, परंतु क्या कभी तुमने भगवान को अपना हीरो बनाया है? क्या कभी तुम भी श्री राम जी के फैन बने हो? जरा सोचो और विचार करो, देखो तुम्हारा जीवन कितना बदलेगा। मैं आपसे यही आशा करता हूँ, आप ये वीडियो सबको शेयर करेंगे और अपने हर एक दोस्त को सुनाएंगे। देखो, आपको इन शब्दों पर जाके इन्हें अपनाने का प्रयास करना है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती, लेकिन जब आप बार बार उसको करेंगे, अपनी संगति में अच्छे लोगों को रखेंगे, अपने आसपास अच्छा वातावरण बनाएंगे, बुरे लोगों का साथ दूर से ही छोड़ देंगे, उनके प्रति कठोर भी बनना आपको होगा। इसीलिए आपसे यही प्रार्थना है और यही आशा है। इसीलिए मैं और हमारी ये बाबा की टीम आपके लिए वीडियो तैयार करती है, ताकि आपको वेद शास्त्र पुराणों में से छांट छांट करके जिससे आपका भला हो वो चीज़ आपको पहुंचाना। आगे का काम आप करिए। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री राधे, जय सियाराम, राम राम मित्रों।